नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तराखंड जनपद चमोली जिले के घाट ब्लॉक के निवासियों द्वारा सड़क के चौड़ीकरण की मांग को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। विकासखंड घाट ब्लॉक के लोगों ने 10 जनवरी को 19 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर सड़क के चौड़ीकरण की मांग को लेकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाई थी। घाट इलाके को उत्तराखंड के आराध्य देवी नंदा देवी का मायका कहा जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष अथवा लग्ना अनुसार विश्व की सबसे लंबे पैदल यात्रा श्री नंदा राज जात यात्रा का प्रमुख केंद्र के साथ ही प्रत्येक वर्ष भादो मास में आयोजित होने वाली श्री नंदा लोक जात यात्रा का आगाज इस ब्लॉक के नंदा सिद्धपीठ कुगर से होता है। सिद्धपीठ के कारण ही प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में यहाँ पर देवी भक्तों का आना जाना लगा रहता है। एक तरह से पूरा घाट प्रखंड धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से मात्र 19 किलोमीटर की मोटर सड़क की स्थिति आज भी बदहाल बनी हुई है। सड़क के चौड़ीकरण न होने के कारण दुर्घटनाएं होती रहती है। 55 ग्राम पंचायतों वाले घाट ब्लॉक मुख्यालय तक 1962 में सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। पिछले लंबे समय नंदप्रयाग घाट 19 किलोमीटर मोटर सड़क को गेयर लाइन बनाने के लिए अलावा इसके सुधारीकरण व डामरीकरण की मांग विभिन्न मंचों से उठाई जा रही है। 4 दिसंबर से क्षेत्रीय जनता ने व्यापार संघ घाट व टैक्सी यूनियन ने ब्लॉक मुख्यालय घाट पर आंदोलन शुरू किया। आज सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने गाजे बाजे के साथ प्रदर्शन किया। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। नंदा घाट सड़क जो मोटर मार्ग को डेल लाइन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और वर्तमान सरकार के द्वारा अभी तक इस प्रकार से आंदोलनकारियों की अनदेखी की जा रही है। उसी की एवज में उसी क्रम में आज ढोलगिरी समाज, मसकबीन समाज और जो भोंकरी वादन के द्वारा जो समाज के लोगों ने आके पूरे विकासखंड घाट बाजार में एक रैली निकाली और उत्तराखंड सरकार को चेताया कि अगर आपकी मांग आप आंदोलनकारी की मांग को अगर यथाशीघ्र आपके द्वारा अगर पूरा नहीं किया